हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान गाजर के सेवन के बारे में। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको गाजर किस तरह से फ़ायदा दे सकता है और कब ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। साथ में आपको बताया जाएगा कि सुरक्षित गाजर की क्या पहचान होती है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। वैसे तो सभी जानते हैं कि गाजर एक बहुत ही हेल्दी फूड होता है। इसमें बहुत सारे बीटा कैरोटीन होते हैं जो आपके बच्चे के विकास में बहुत अच्छा काम करता है। ये बच्चे की आंखों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी लेडीज़ बीपी यानी कि रक्त दाब की परेशानी से परेशान हो जाती हैं। ऐसे में भी आपको नहीं पता हो तो बता दूं कि गाजर आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। गाजर में पोटेशियम होता है जो आपके रक्त दाब को संतुलित रखने में बहुत मदद कर सकता है, जिससे आपको हार्ट हेल्थ में भी बहुत मदद मिलेगी। मोस्टली लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान स्किन इशू होते हैं, हेयर लॉस के इशूज़ होते हैं, ऐसे में गाजर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। गाजर में अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है जो आपकी त्वचा, बालों और नाखूनों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए गाजर का सेवन आपकी प्रेगनेंसी में एक अच्छा डाइट हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सुरक्षित गाजर की पहचान क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे गाजर के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आप जब गाजर लें तो ये देख के लें कि वो फ्रेश है, और सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें कोई मिलावट, यानी कि आप उसको देख लें कि कलर वगैरह तो नहीं किया गया। क्योंकि आजकल बहुत सारे सब्जियों को आप देखेंगे और फलों को देखेंगे तो ऊपर से उसके ऊपर कलर लगाया जाता है ताकि वो खूबसूरत दिखे। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिएगा और अच्छे तरीके से धो करके अच्छे से काट करके ही खाएं। क्योंकि कई बार हम डायरेक्ट उसका सेवन कर लेते हैं, अगर उसके अंदर कोई कीड़ा हो या फिर गाजर ख़राब हो वो भी डायरेक्ट हमारे अंदर जाएगा, जिससे आपको ही नहीं आपके बच्चे के लिए भी ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं गाजर के नुकसान के बारे में। गर्भावस्था के दौरान अधिक मात्रा में अगर आप गाजर का सेवन करती हैं तो उससे आपको पेट में तकलीफ़ हो सकती है, या तो आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो या फिर ब्लोटिंग हो सकती है, पेट में दर्द महसूस हो सकता है। तो इसलिए गाजर का सेवन तो करें लेकिन एक मात्रा में जो बहुत ज़्यादा ना हो। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको किसी तरह की गाजर से एलर्जी की शिकायत है तो गाजर आप ना खाएं, या फिर खाने से पहले एक बार डॉक्टरी परामर्श ज़रूर ले लीजिएगा। तो आशा करती हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।